और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? आप में से बहुत जने बोल रहे थे यमन भाई मोमोज़ बनाकर दिखाओ, तो आज हम लोग है ना फ्राइड मोमोज़ बनाते हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे। और रेगुलरली आपने देखा होगा कि कच्ची फिलिंग के साथ मोमोज़ बनाते हैं, आज हम लोग पकी हुई फिलिंग के साथ बनाएंगे, ये और ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बाहर से एकदम क्रिस्प अंदर सॉफ्ट फिलिंग, मज़ेदार रेसिपी है। सबसे पहले हम लोग इसका डो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक परात लिया और उसमें हम लोग 1 कप मैदा ऐड कर देंगे। ये 125 ग्राम है, मतलब 125 ग्राम है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक भी ऐड किया। इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप इसमें तेल या घी ऐड कर सकते हो। नॉर्मली इसमें ऐड नहीं किया जाता है कोई भी फैट, लेकिन अगर आपको ऐड करने का मन है, ज़्यादा क्रिस्पी बनाने का मन है, तो आप ठंड में जमने वाले फैट इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि घी हो गया। मैं आपको डालडा सजेस्ट नहीं करूँगा या वनस्पति सजेस्ट नहीं करूँगा। जो भी आप फैट इसमें इस्तेमाल करो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हल्का हल्का पानी डालकर इसका एक सख्त आटा बना लीजिएगा। मोमो का आटा नरम नहीं होना चाहिए, अगर नरम आटा रहेगा तो बेलने में मुश्किल होगी। मेन जो चीज़ है, मोमो स्टीम किया जाता है या फ्राई किया जाता है, तो स्टीम करते वक्त अगर सूखा आटा बाहर लगता है तो वो अजीब सा लगता है, खाने में भी अजीब लगेगा, और अगर फ्राई करते हैं तो भी है ना तेल ख़राब हो जाता है। तो आटा ऐसा रहना चाहिए जो आप आसानी से बेल सको। ये मैंने रेडी कर लिया है, इसको मैंने 2 मिनट भी नीड किया था। आटा बिल्कुल मस्त लग रहा है, चिकना भी लग रहा है और आप टेक्सचर देख सकते हो। अब इसको रेस्ट करने देंगे 10 मिनट के लिए। तो इसको ढक देते हैं एक कपड़े से ताकि ये आराम कर सके। तब तक हम लोग इसकी फिलिंग बनाते हैं। नॉर्मली ठंड में ऐसी पकाकर बनाई जाती है फिलिंग, क्योंकि है ना पत्ता गोभी में पानी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गरम करी है और आपको सबसे पहले बटर या तेल ऐड नहीं करना है, पत्ता गोभी ही ऐड करनी है। एक छोटी सी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। मैंने ये मानसून के टाइम पे बनाया था तो ज़्यादा पानी भी नहीं रहता है पत्ता गोभी में। उसी के साथ में एक बड़ा साइज़ का प्याज था, और यहाँ पर मैंने है ना 1/2 चम्मच काली मिर्ची ली है, 1 चम्मच नमक लिया है और 1 चम्मच के आसपास ही कद्दूकस कर अदरक लिया है। हम लोग इसमें बटर भी ऐड कर देंगे, आपके टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मैंने 1 बड़ा चम्मच बटर लिया है। अब इसको कंटिन्यू चलाते हुए हम लोग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। मेन चीज़ क्या है, अगर पत्ता गोभी में ज़्यादा पानी है तो उसको आपको ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा, अगर उसमें कम पानी है तो फटाफट बन जाएगा। उसको टेस्ट कैसे करना है वो आपको दिखाता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, फ्लेम को हाई रखिएगा, सारा जो ये सब्ज़ी है ना उसको एक तरफ कर लीजिए, 10-15 सेकंड उसको रहने दीजिएगा, उससे दूसरी तरफ कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो जाती है और इस तरफ मतलब नॉर्मली रहती है। फिर आप उसको ऐसे फैला दीजिएगा और जो आवाज़ आती है ना उसको सुनिएगा, उससे पता चल जाएगा कि कितना पानी बच गया है पत्ता गोभी में। वो आवाज़ को हटाना नहीं है, बस हल्का सा कम करना है। तो ये बिल्कुल रेडी लग रहा है दोस्तों मुझे, इसको मेरे को ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। मोमो की फिलिंग हमेशा ही जूसी रहनी चाहिए। आप ऐसे हर मिनट टेस्ट करते रहिएगा, जब ये ऐसे दिखने लग जाता है तो आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको एक प्लेट में निकाल कर रख लीजिएगा। ठंडे होने में 10 मिनट तो लगेगी, तब तक हम लोग अपना आटा को तैयार करते हैं। तो हम लोग को ये आटा से इवन साइज़ की लोई बनानी पड़ेगी, और आप देख सकते हो आटा नरम हो चुका है, हल्का सा रिलैक्स कर चुका है ये आटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके 2 टुकड़े शुरू में कर लेते हैं और फिर उसको सिलेंडर जैसे, इनफैक्ट बेलन जैसे शेप देंगे। तो मैंने उसका भी एक और टुकड़ा हटा दिया है, तो अब जैसे बेलन होता है ना वैसे इसको लंबी शेप दे देंगे, इससे इवन साइज़ की लोई बन जाएगी। अब मैं ये आटे को कट कर लेता हूँ, और फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बेल सकते हो, या फिर आप इसको है ना हाथ में लेकर घुमा लीजिए लोई बनाने के लिए। वैसे मैं आपको ऊपर की तरफ से दिखाता हूँ इसको, तब आप देखिए ये इवन ही लग रहा है, तो इसको लोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली आप ऐसे भी बेल सकते हो। अच्छी जगह में मोमो एक एक ही बेला जाता है दोस्तों, वो बड़ा बेल कर काटते नहीं हैं। तो एक एक बेलने के लिए आप ये चकले में है ना हल्का सा तेल फैला लीजिएगा, इससे इजी हो जाएगा मोमो बेलना। तो एक लोई मैंने ले लिया है, अब हम लोग इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है लोई, ना चकले में ना बेलन में। तो आटा बिल्कुल सही लगा है, अब इसको मैं 3 से 4 इंच डायमीटर में बेल लेता हूँ। वैसे ये मोमो की लोई का शेप माइंड मत कीजिएगा, मैं पूरा राउंड बेलता नहीं हूँ। जब ये बेल जाता है आप थिकनेस देख सकते हो, ज़्यादा मोटा नहीं बेला है इसको। मोमो जितने पतले बेल सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे।
हम लोग इसमें एक चम्मच फिलिंग रख देंगे अपनी पत्ता गोभी वाली, वो ज़्यादा गर्म नहीं रहनी चाहिए वरना शेप देने में प्रॉब्लम आएगी। फिलिंग रखने के बाद हम लोग इसमें प्लीटिंग करेंगे, जैसे साड़ी की प्लीटिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। प्रोसेस सिंपल है, बस हल्की सी प्रैक्टिस लगती है। तो बेस्ट तो मैं हमेशा जैसे कहता हूँ मेरी मम्मी और मेरी दीदी बनाती है, लेकिन आप भी ट्राई कर सकते हो। प्रोसेस क्या करना है आपको, हल्का सा आटा लेना है और फिर उसको फोल्ड करना है, और सेकंड फोल्ड भी उसी के ऊपर बनाना है आधा। तो बिल्कुल ऐसे करके आप आधा जगह में कर सकते हो, उससे सेमी सर्कल वाले मोमो बन जाएंगे। और फिर जो बाकी की साइड है ना, उसको आप इसी में स्टिक कर दीजिएगा। तो लास्ट में ये चांद मोमोज बन जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल जैसे चांद रहता है वही शेप में। तो ये रेडी है। राउंड वाले मोमोज में बहुत बार क्या रहता है कि आटा ज़्यादा हो जाता है बीच में और वो थोड़ा सा अजीब लगता है। ये वाले में फिलिंग इवन रहती है, आटा इवन रहता है और पतला सा रहता है, तो टेस्टी ज़्यादा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही मैं बाकी के मोमोज भी बना दूंगा। कुछ मोमोज मेरी दीदी और मम्मी ने भी बनाए हैं, वो थोड़े अच्छे ज़्यादा बनाते हैं। तो नाम फ्राइड मोमोज है दोस्तों, तो इनको पकाने के लिए हम लोग को फ्राई करना पड़ेगा। लेकिन कुछ जो जगह रहते हैं, मतलब पहले से स्टीम किए हुए मोमोज को फ्राई करते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं जो फ्राइड मोमोज बनाना प्रेफर करता हूँ तो डायरेक्टली फ्राई करता हूँ। आप चाहो तो है ना 2-3 मिनट स्टीम कर सकते हो, फिर उसके बाद भी फ्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम गरम रखा है, मोमोज इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम लोग इनको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप चाहो तो इनको हाई फ्लेम पर भी फ्राई कर सकते हो, उससे इसमें बबल वाला टेक्सचर आ जाएगा, मतलब जो पिंपल वाला टेक्सचर होता है ना वो आ जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ये क्रिस्पी ज़्यादा बनेंगे। इनको फ्राई करने में जल्दबाजी मत करिएगा वरना ये कच्चे रह जाएंगे दोस्तों। मैंने इनको पूरा गोल्डन ब्राउन कर लिया है, ये रेडी है। तो अब इनको मैं टिश्यू पेपर में निकाल देता हूँ ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए, उसके बाद हम लोग इसको सर्व करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप बाकी के मोमोज भी फ्राई कर सकते हो। मैंने अभी हाई फ्लेम पर इनको फ्राई किया है, तो ये स्टेप से इनमें बबल्स वाला टेक्स्चर आ जाएगा। हाई फ्लेम में थोड़ा सा कलर भी ज़्यादा डार्क आता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल रेडी है, अब इनको सर्व करते हैं। आज मैंने लाल चटनी तो यूज़ करी है, उसी के साथ में हरी चटनी भी यूज़ करी है मोमोज़ वाली। ये सिर्फ कुछ जगह मिलती है और इसका टेस्ट काबिले तारीफ़ रहता है। इसमें हरी मिर्ची रहती है, विनेगर रहता है या फिर सिरका रहता है और पानी रहता है नमक के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा तीखी रहती है और मज़ा आ जाता है जब आप इसको टेस्ट करते हो। तो मोमोज रेडी है, सर्व करता हूँ फटाफट। तो दोस्तों ये थी मेरी मोमोज की रेसिपी, आप भी ट्राई करके नीचे कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक बटन, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक बटन। मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ। YouTube पे सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक ज़रूर कीजिए।